सिवान जिले के ग्राम राजापुर पंचायत में जुमला प्रखंड भगवानपुर हाट सिवान के लगभग 20 घर 150 दलित परिवार वाले टोले हैं। यह 15 घर लगभग 125 दलित परिवार के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य भगवानपुर हाट सिवान में प्रसव कराने के लिए जाते हैं। यहाँ NM द्वारा पैसे मांगा जाता है, सुई दवाई एवं एम्बुलेंस का पैसा मांगा जाता है, जबकि हमारी जननी सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इसी गांव के रहने वाली मुनि देवी के पतो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर हाट में प्रसव कराने रात्रि 8 बजे 18/2/2015 को पहुंची। यहां पे उसको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी। इस तरह के हालात आज के हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सरकार में बैठे लोगों की है, जिनकी अपनी स्वास्थ्य सुविधा है, मगर हम गरीब महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। क्या हुआ सर, पैसा मांगते नहीं, पैसा ना रहे लगे तो दूसरा से ले होकर देकर तो दवाई लिखाए, 500 मांगते नहीं ना कटाए, तो पैसा ना रहा। किसे मांग रहा था आपसे? कि सास से मांगते नहीं, दर्द दर्द के दवाई को नहीं मांगे खातिर तो ना जानी लो। वो दो गोली का तो 50 रुपए दा, तो वो 50 रुपए ले वो डॉक्टर, तब दो गो गोली दे पेट का दर्द। चला जे डिलीवरी तो कैसे घटना होता, आशा भी जाते तो आशा का भी दोष बा के इहे लेके चलाओ ते गरीब मजी कहत रे कि जा आशा ना चाहम रे टाली पर हम कह हम गरीब आदमी कहां से दे देत रे 50 रुपए बिक देवे फिर बाद में कहत ना असर रोगी लेके मत है। किसको बोले थी, कौन बोले थी? NM। हां क्या परेशानी होती है? क्या परेशानी होती है, डिलीवरी लेकर जाते हैं तो कहते हैं पैसा दीजिए। कहां पे? भगवानपुर स्वास्थ्य में। और पैसा आप देती हैं? जी देते हैं। और नहीं देती हैं तो? नहीं देती है तो बोलती है कि इसके बाद लेकर आएंगे तो रेफर करा देंगे बस। अब आशा कहाँ से लिया करते, अपने घर से आशा पैसा थोड़े दी हन, जब रोगी अलग आदमी बाटे कोई गरीब बा ओकरा लगन नहीं के तो कहाँ से दी? तो जबरदस्ती मांगा जाता है कि स्वेच्छा से? हां तो ऐसा मतलब बात होला कि हां लिया के तू पैसा ना देबू, आशा से कहला कि आशा मांग के पैसा दे लाभार्थी से, यदि ना दी तो कहला कि हां लेके अबू तो रेफर कर दी। हां मत ले कह है और सना दी लेके मत ही आप लोग सबके साथ ऐसा होता है? हां सब कोई के साथ है। तो आप कहाँ जाती है? हम जाता है हमारे में ब्लॉक में हॉस्पिटल में पैसा ना लगे के चाहिए। ओ आप जाती हैं? एक तो सरकार रिक्शा दे रही है, आप ही को नहीं लगे कि और लोगों ने? और लोग सारा सारा लोग संग ये होता। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि और महिलाओं के साथ ऐसा हो। इसके लिए मैं प्रभावित परिवार के सदस्यों से आवेदन पत्र जिला चिकित्सा पदाधिकारी सिवान के कार्यालय में दिलाऊंगी ताकि भ्रष्टाचारी पर रोक लग सके। इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं। जिला चिकित्सा पदाधिकारी सिवान को जिनका मोबाइल नंबर 9470037788 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि हम गरीब महिलाओं को निःशुल्क सेवा उपलब्ध हो सके। मैं ज्ञानती कुमारी सिवान बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।